राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। क्या कभी किसने सुना है सूर्य छिपता तिमिर भय से, क्या कभी सरिता रुकी है बांध से वन पर्वतों से, जो न रुकते मार्ग चलते चीर कर सब संकटों को, वर्ण करती कीर्ति उनका छोड़ कर सब असुर दल को, ध्येय मंदिर के पथिक को कंटकों का ही सहारा, संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा। राष्ट्र विजयी हो हमारा। माननीय डॉक्टर मोहन जी भागवत, परम पूज्य सत्संग चालक, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर, आयुर्वेद व्यासपीठ के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनीगण, उपस्थित माननीय अधिकारी गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, कोरोना के चलते जो नियमावली है उसमें अपने आप को ठूस ठूस कर बिठा कर हम जैसे जीवन में चल रहे हैं वैसे इस कार्यक्रम में भी ऐसा ही चलना पड़ रहा है। प्रसंग बड़ा आनंद का है, आयुर्वेद व्यासपीठ का अपना अपनी एक वास्तु खड़ी हो गई। तो एक संगठन के यात्रा में एक पड़ाव हमने प्राप्त किया आगे बढ़ने के लिए, इसलिए आनंद भी है। और हमने काम करते करते संगठन को यहां तक लाया कि हमने अपनी वास्तु खड़ी कर ली, ये जैसे एक आनंद का विषय है वैसे एक दायित्व का भी विषय आता है, और जिसका बहुत थोड़े शब्दों में आप सभी को स्मरण हमारे भूतपूर्व ज्येष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर वैद्य देव पुजारी जी ने आपको दिया है, उसी को मैं आगे बढ़ा था। भवन यानी कुछ होना, या दूसरा भी अर्थ है कुछ न होना, दोनों बातें हो सकती हैं। जहां कुछ होता है वो भवन है, अथवा नहीं होता भवन न तब भवन है, ऐसा भी कर सकते हैं। परंतु हमारा संगठन जो चला है उसका एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य संगठन के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। बाकी सरकार वगैरह वगैरह सारी जो बातें रहती है वो सारे उपकरण सहायक हो सकते हैं, लेकिन मुख्य उसका प्रेरक जो एक शक्ति के रूप में काम करने वाली और वस्तु है वो तो अपने संगठन के कारण लोगों का बदला हुआ मन ये है। और आज विश्व को आवश्यकता उसकी प्रतीत होती है, कोरोना आया तो उसके कारण बहुत सारा पुनर्विचार दुनिया भर में लोगों के मन में शुरू हुआ। तो इसके चलते और ये भी ध्यान में आ गया आयुर्वेद का महत्व क्या है, अपने देश की विशेषता यह है कि जो भी हमारा उस समय का ज्ञात विज्ञान था वो आज से कम था ज्यादा था, ये एक देखने का, अभ्यास का, चर्चा का, विवाद का भी विषय हो सकता, लेकिन जितना भी था उतना हमारे देश में झोपड़ी तक पहुंचा था।
वो उसका शास्त्र नहीं बताया होगा, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो बताया। जैसे अदोष का काढ़ा है ना, बक्कस या अडुल सा जिसको मराठी में कहते हैं, उसका काढ़ा ये और श्वास रोगों पर उपयोगी है। ये बात क्यों है, क्या काम करता है, वात पित्त कफ में कहाँ वो परिणाम करता है, ये सब मालूम नहीं है, लेकिन माता जी को घर में या दादी को मालूम है कि उसका काढ़ा बना के पिलाया तो सांस रोग ठीक हो जाते, अस्थमा और पेशेंट का अस्थमा बंद हो जाता है, तो व्यवहार मालूम। ऐसा हमने जितना विज्ञान हमको उस समय ज्ञात था उतना उसको पहुंचाया था। हमारे नित्य कर्म का अंग वो विज्ञान, यानी साइंटिफिक बिहेवियर ऐसा कहते हैं, तो वो आज के साइंस के संदर्भ में वैसा तो नहीं है, और जहां प्रगत विज्ञान है वहां भी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जितना भी हमारा विज्ञान था उस समय उतना ही बाकी रहे और कुछ ना रहे ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। उस समय जितना हमारे पास था वो हमारे आचरण में आया, तो पैर धो के अंदर आओ। कोरोना आने के कई हजार साल पहले हमारे यहाँ ये आदत लगाई गई, ऐसी कई छोटी छोटी बातें आई। ये क्यों आया है, इसके लिए कोई संगठन बना, उसने काम किया। उस समय संगठनों के नाम देना, उनके भवन बनाने की बातें नहीं थी, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि अब उनका ज्ञान भी कुछ लुप्त तो हुआ होगा पता नहीं, लेकिन जिनको हम घुमंतु जमात कहते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स, ये सब लोग कौन है? उन्होंने अपने जीवनोपयोग में एक एक विधा को पकड़कर उसके जन जन तक प्रचार प्रसार के लिए घुमंतु होना स्वीकार किया, इसलिए व्रतस्थ हो गए। आज उनकी जाति बन गई, वो ज्ञान लुप्त तो हो गया, उनको हम भी भूल गए, वो भी अपने पूर्वजों को शायद भूल गए, और इसलिए जो हालत है सो है। लेकिन कितना परिश्रम किया होगा उस समय के लोगों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे सामान्य जन। आयुर्वेद के लिए, क्योंकि उसको विश्व विश्व में उसकी आवश्यकता आज मानी जाती है, तो उसको सारे विश्व में इस प्रकार प्रचारित प्रसारित करते हुए सबको निरामय बनाने के लिए ऐसे व्रतस्थ प्रयासों की आवश्यकता है, और ये दूसरे कोई नहीं कर सकते जिन्होंने आयुर्वेद को सीखा है आज, उनके करने से ही होगा, बाकी भी लोग कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने आयुर्वेद सीखा है वो करेंगे तो परिणाम होगा। तो शुद्ध आयुर्वेद की चिकित्सा करना वगैरह वगैरह सारी बात है। लेकिन और एक बात, आयुर्वेद अपना बहुत प्राचीन शास्त्र है, उसका एक अपना शास्त्र है, जैसे एलोपैथी का अपना एक शास्त्र है, आयुर्वेद का भी अपना एक शास्त्र है, उसके अनुसार वो चिकित्सा करता है। देखा जाता है एलोपैथी में कई रोगों पर इलाज नहीं जो आयुर्वेद है, ऐसा भी देखा जाता है कि कई बातें और फट से ठीक करने का सामर्थ्य एलोपैथी का भी है। ये गलत फहमी है कि आयुर्वेद हमेशा देर लगाता है परिणाम लाने, ऐसा नहीं है, वो औषध योजना पर निर्भर करता है, तुरंत इलाज भी वहां होता है, एक्यूट बीमारियों का भी होता है, परंतु एकदम तात्कालिक उपाय वो करना। अभी प्रवास से उतरा आज दोपहर, अगर तुरंत आना पड़ता है, गाड़ी आधा ही घंटा लेट होगी, ज्यादा लेट होती शायद यहाँ तुरंत आना पड़ता, तो मैं स्नान नहीं करता, मैं मुंह धो के बाल बना के आ जाता, तो लगता नहीं किसी को, अगर तिलक लगा लूं तो स्नान हुआ है क्या आपका, ऐसा कोई पूछेगा नहीं, मान लेंगे लोग, ये भी करना पड़ता है ना कभी कभी। तो उसका उपाय, ऐसे उपाय एलोपैथी में भी है, नहीं पूरा ठीक से स्नान स्वच्छता शुचिर्भूत होकर पूजा ध्यान वगैरह सब करके आओ, इतना ही फर्क है। लेकिन पैथियों का अहंकार ये आदान प्रदान नहीं होने देता, वो ज्ञान को छुपा के रखने के लिए बाध्य करता है जनता को, तो इसलिए ये आदान प्रदान भी अन्य पैथियों के साथ करना और अन्य पैथियों को भी ऐसा आदान प्रदान के लिए
प्रेरित करना, क्योंकि ज्ञान इतना अनंत है, उसका कुछ पहलू हमने पाया है, कुछ पहलू और किसी ने पाया है। तो आज के युग में संपूर्ण मानव जाति का जो मिलकर ज्ञान है पूरा का पूरा समग्र, उसका विचार करके हर पैथी में और क्या क्या हो सकता है, इसका विचार हर पैथी में होना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर होना है तो भारत की अपनी जो पैथी है आयुर्वेद, उसको ही इसकी पहल करनी पड़ेगी। वही कर सकते हैं और उनके करने से बाकी विश्व अनुकरण करेगा, क्योंकि इसके लिए जो मानसिक तैयारी चाहिए, जो मन का बनना है इस प्रकार से, वो हमारे यहाँ है, बाहर नहीं है, ये सत्य बात। फिर आयुर्वेद की विशेषताएं, दो विशेषताएं मुझे लगती है, यानी आप लोग तो सब उसके जानकार लोग हैं तो आप ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन बाहर से देखते समय मुझे लगता है कि बहुत से प्रचलित पैथियों की, सबकी नहीं, बहुत से उनकी है, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। बुखार, मुझे बुखार एक शिशु को, भारत के एक व्यक्ति को, अमेरिका के एक व्यक्ति को, एक मान लीजिए इन्फ्लुएंजा के कारण कुछ बुखार वगैरह आ गया, तो सबके लिए उपचार समान है, टेक्स्ट बुक में सारी बातें है, शास्त्र है, उपचार है, और सबको वो देना ऐसा है। उसके भी कुछ कारण है, उसका भी एक मायना है, उसका भी एक स्थान है, लेकिन आयुर्वेद की विशेषता है कि आयुर्वेद व्यक्ति परक उपचार करता है, यानी यहाँ कस्टमाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं। औषधियों का भी विचार ऐसे होता है कि मैं चंद्रपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ पला बड़ा हूँ मेरा शरीर, और वहाँ के और सारे वायुमंडल से बना है, वहाँ की मिट्टी से बना है, तो हो सकता है कि कुछ बातें मुझे वहीं के वनस्पतियों की लागू पड़े, ये विचार अन्यत्र नहीं है अपने पास है। और ये भी उतना ही सत्य है, अनुभूत सत्य है, शास्त्र है इसके पीछे। दूसरी बात है कि आयुर्वेद ये प्राथमिक चिकित्सा और दूसरी ने प्राइमरी और सेकेंडरी केयर जिसको बोलते हैं, इसमें बहुत कम खर्चे में सबको उपचार दे सकता है। आज स्वास्थ्य और शिक्षा दो बातें ऐसी है कि वो सबको मिलनी ही चाहिए, क्योंकि वो पाने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। नहीं, दुर्भाग्य है कहीं कहीं सरकारी अस्पतालों पर विश्वास रहता नहीं, कुछ अनुभव की बात है, ऐसा हुआ है इसलिए विश्वास नहीं है, और कुछ उसके कारण जो हवा बनी उसका भी है, इतने अविश्वास पात्र नहीं है हमारे सरकारी अस्पताल में, परंतु है एक वातावरण। तो एक मेरे परिचय के डॉक्टर ने और कहा, एक को भैया हृदय की शल्यक्रिया करनी पड़ेगी, मेरे यहाँ करोगे तुमको खर्चा बहुत आएगा, तुम सरकारी अस्पताल में जाकर कर लो, मैं जानता हूँ वहाँ ठीक होगी। उसने कहा नहीं, मेरा विश्वास नहीं, मैं अपना घर बेचूंगा लेकिन आपके यहाँ महंगी चिकित्सा करूंगा। इतनी तैयारी लोगों की रहती है अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि वो आवश्यकता है, जीवन आवश्यक। तो ऐसा होने के लिए चिकित्सा उनके पास पहुंचने वाली सुलभ और उनको सस्ते में उपलब्ध हो, ऐसी होनी चाहिए। वो अगर किसी को संभव है आज की तारीख में भारत में, तो आयुर्वेद को संभव है। होम्योपैथी की भी ऐसी विशेषता है, कस्टमाइजेशन भी होम्योपैथी में होता है और सस्ता भी। और स्वास्थ्य ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, अपने जैसे इतने बड़े देश में 7.5 लाख गांवों में 130 करोड़ लोगों तक, अगर ये प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में चिकित्सा ठीक होने लगी, सबको सुलभ रही और सब पा सके, इतनी सस्ती रही, तो टर्शरी तक आएगा ही नहीं व्यक्ति।
पहले ही बीज में ही उपचार हो जाता है तो रोग बढ़ने के पहले ही उसका ठीक हो जाता है, उसको आगे जाना नहीं पड़ेगा। इस आवश्यकता को देश की आयुर्वेद पूरा कर सकता है। ये कुछ विशेषताएं आयुर्वेद की है, इसलिए मैंने जो कहा व्रतस्थ प्रयास, ऐसा हो के अब व्रतस्थ यानी कैसा होता है, तो हमारे यहाँ बहुत पहले ऐसी व्यवस्था थी कि 10-5 गांवों को मिलकर एक वैद्य होता था, परंपरागत वैद्य उनके घरों में रहते, वो निःशुल्क चिकित्सा करता था और वो 10-15 गांव मिलकर उसके जीवन में अपन की उसके योगक्षेम की चिंता करते थे। वो व्रत के नाते करता था, कैसे करता था, तो उसको पता चले उन 10-15 गांव में कोई बीमार है तो बिना बुलाए वो पहुंच जाता, उसका वो कर्तव्य था। और कोई बीमार है और आनाकानी कर रहा है तो उसको पकड़ के उसकी चिकित्सा करता। देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहिए, इसलिए वो प्रयास करता। अब अभी समय तो बदल गया है, जो मैं कहता हूं कि देशकाल परिस्थिति बदली है तो कुछ हमको भी उसके साथ बदलना चाहिए, उसमें ये भी बातें कुछ आती है, तो बिल्कुल वैसे तरीके से नहीं कर सकेंगे लेकिन वही कर सकेंगे, ऐसा नया तरीका कौन सा है ये हम लोगों को खोजना पड़ेगा। और सबसे बड़ी इसी तर्ज पर आगे बढ़ते हैं तो आयुर्वेद की विशेषता यह है कि इलनेस का विचार बाकी जगह की पैथियों ने बहुत किया है लेकिन वेलनेस का विचार मुझे लगता है केवल आयुर्वेद ने किया है। स्वास्थ्य वृत्त नाम का प्रकरण अन्य किसी पैथी के शास्त्र में मेरा अज्ञान होगा लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखा। आहार विहारों को कैसे रखना ताकि बीमारी दूर रहे, सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर इसका प्रबोधन सारे समाज को देना, इन दिशा में अपने संगठन को बढ़ाते हुए हम चलेंगे इस दिशा में, तो फिर जो हम कहते हैं कि संपूर्ण विश्व को निरामय बनाने के लिए संपूर्ण दुनिया के चिकित्सा शास्त्र मिलजुल कर आयुर्वेद के साथ चलेंगे, आयुर्वेद नेतृत्व करेंगे। हमारी आकांक्षा जीतने की नहीं रहती कभी भी, वी आर नॉट कॉन्करर्स, हम परिवर्तन लाते, हम सबको उस परिवर्तन यात्रा में अपने साथ जोड़ लेते, ये हमारा स्वभाव रहा। इसलिए मैंने कहा कि ये हम ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता, भारत के वैद्य कर सकते, ये करना चाहिए। और ये करना चाहिए इसलिए जैसे एक अपने संगठन को आयुर्वेद के बारे में अपनी एक बढ़ने की नीति लेकर चलना पड़ेगा, वैसे ही हम सब कार्यकर्ताओं को भी कुछ बातें लेकर चलनी पड़ेगी। जैसे आप देखते हैं कि अच्छे अच्छे काम करने वाले तो बहुत लोग हैं लेकिन नाम और झंडे का झगड़ा रहता है, कभी सज्जन लोग इकट्ठा आकर काम नहीं करते, क्योंकि एक बात है कि हमारा नाम हो हमारा झंडा हो, दूसरी बात है कि मेरा मत यह है, ईसा नीति की कथा तो प्रसिद्ध है ना, बकरे दो सामने आ गए, संकरी राह इधर चट्टान उधर खाई, अब टक्कर आएंगे वहां तो दोनों गिर जाएंगे, तो बड़े समझदार थे, एक घुटने टेक दिया एक ने, दूसरा उस पर कूद के चला गया, यहाँ ईसा की कहानी खत्म होती है। लेकिन हम लोगों की मानव जाति की कहानी यही शुरू होती है, उनमें यह झगड़ा नहीं हुआ कि घुटने किसने टेक, हमारे यहाँ उसको लेके झगड़ा होता है, मैं क्यों पहले तुम, ये जो संस्थागत अहंकार रहता है, व्यक्तिगत अहंकार नहीं रहता, ऐसा अपने अपने मत को लेकर अपने अपने प्रतिष्ठा को लेकर रहता है। आयुर्वेद व्यासपीठ को और आयुर्वेद व्यासपीठ के कार्यकर्ताओं को इस व्यक्तिगत संस्थागत अहंकार के परे होकर ध्येय के लिए सबको कैसे जोड़ना, इसका प्रयास करना पड़ेगा। भवन बना है, भवन के साथ जिम्मेवारी आई, क्योंकि भवन ये एक पड़ाव है, ये हमारी मंजिल नहीं है, गंतव्य हमारा दूर है, गंतव्य बहुत बड़ा है। आयुर्वेद आज हम भारत के अपने शास्त्र को कहते हैं लेकिन
शब्दशः आयुर्वेद है ने स्वस्थ आयु बिताने के लिए जो जो शास्त्र है वो सब आयुर्वेद में ही है। वेद भी क्या है, अनेक ऋषियों के रुचाओं के संग्रह है। तो वेदों का संग्रह बढ़ना, उपवेदों का संग्रह बढ़ना बंद हो गया, इसलिए जितना आज दिखता है उतना ही आयुर्वेद हमको मालूम है। बहुत कुछ हम भूल भी गए और बहुत कुछ नया भी है। हमारा आयुर्वेद एक स्वीकार मानसिकता में चलने वालों का शास्त्र है। आनो भद्रा कृतवो यन्तु विश्वतः, संपूर्ण विश्व से अच्छी अच्छी बातें आए हमारे पास। हाँ, उनकी सत्यता की हम परीक्षा कर लेंगे, आंखें मूंद के नहीं चलेंगे, लेकिन हम उसको स्वीकार करेंगे परीक्षा के आधार पर और अपने शास्त्र का भाग बना लेंगे। कफ वात पित्त एक हमारा आधार है, उसके आधार पर जो जो खरा उतरता है वो उसका आधार लिए बिना भी खरा उतर रहा है, तो उसको यहाँ कैसे स्पष्ट करना अपने शास्त्र के आधार पर, ये भी हम सोच रहे। ऐसा हमको इसको आगे ले जाना पड़ेगा और आगे ले जाने के लिए व्रतस्थ प्रयास करने पड़ेंगे। तो व्रत ये रहेगा कि संपूर्ण विश्व की निरामयता के लिए संस्थागत व्यक्तिगत अहंकारों के परे कैसे हुआ जा सकता है और कार्य को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी पहल करते हुए हम सारी दुनिया को साथ जोड़कर लेके चले जाएंगे। पहले वो भारत में करना पड़ेगा। और आयुर्वेद की इस दृष्टि को कि वेलनेस की चिंता करो, इलनेस की थोड़ी करनी पड़ेगी, और प्रत्येक का जो स्वास्थ्य है वो उसका अपना स्वास्थ्य है, उसकी अपनी प्रकृति है, उसको बनाने वाले सारे कारक अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति के पृष्ठभूमि अलग है, और इसलिए औषध योजना भी उस व्यक्ति का विचार करके सोचनी चाहिए। और तीसरी बात है कि सारी चिकित्सा जिनके लिए है उनको स्वस्थ और सुलभ होनी चाहिए, स्वस्थ और सुलभ, सस्ती और सुलभ। इन बातों को लेके हम चले तो फिर नई बातों को भी हम जोड़ सकेंगे, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ नई बातें ऐसी है आज जो दिखती है हमको कि वो है, वो सत्य है, और उसको हमको लेना पड़ेगा, लेते समय अंग्रेजी में जिसको एडाप्शन कहते वो करना पड़ेगा। एक वो प्लग लगाने के लिए एडाप्टर होता है ना, अलग अलग प्रकार है, जो हमारा प्रकार उससे मिलता है, तो बीच में एक उपकरण रहता है वो एडाप्टर। ऐसे हमको अडॉप्ट करके बातों को कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति बदलती है, मनुष्य का ज्ञान भी बदलता है, ऐसी बातें आती हैं। कुछ बातें फैशन के मारे चल तो पड़ी है, और आप लोगों को कहेंगे कि ऐसा करो तो वो हंसेंगे, आपकी बात उसमें चल नहीं रही है, लेकिन वो सत्य है। थोड़ा आपको धैर्य पूर्वक लोगों को समझाना पड़ेगा। तो देशी गाय के दूध के बारे में और भी देशी गाय के बाकी सब पंचगव्य के बारे में, और एक समय था बहुत पुराना है, 10-15 साल पहले इसकी बातें करते तो लोग हंसते थे, लेकिन आज उसके रिसर्च पेटेंट्स वगैरह वगैरह सारा बन रहा है और प्रचलन में भी आ रहा है। धीरे धीरे लोकमानस बदलता है और जो चल रहा है उसमें जो सत्य है उसको स्वीकार कर, ऐसी भी कुछ बातें हैं उस पर प्रयोग करने पड़ते हैं। और कुछ बातें ऐसी है कि जो विभिन्न कारणों के लिए असत्य कुछ दिन चलते रहता है। अब ऐसे ऐसे होता है दुनिया में, मालूम है हम सबको कि काल्पनिक बीमारियां भी हो जाती है और काल्पनिक दवाइयां खपे इसलिए उनका प्रचार किया जाता है, या अपना प्रोडक्ट खपे इसलिए किस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट होता है। एक प्रकार की अंधश्रद्धा है वो कि साबुन लगाने से क्रिकेट मैच जीतता है, ऐसा चलता है, हम देखते टीवी पर कई ऐसी आती है। उसके कारण कुछ बातें यानी वो बैद्यनाथ का लाल दंत मंजन वगैरह भी पर्याप्त, या विको वगैरह भी पर्याप्त परिणामकारक है, लेकिन देहात का आदमी जाकर कोलगेट ही मांगेगा, कोई भी टूथपेस्ट उसके लिए कोलगेट है, कोलगेट बैठी है एडवर्टाइज के कारण।
ऐसे कुछ बातें चलती। उनको हमको सिरे से नकार कर आगे बढ़ना पड़े। कोई को नकार नहीं कर रहा है, वो स्वदेशी विदेशी का एक प्रश्न है, उसका विचार करके वो ऐसा कहते हैं। औषधि के नाते उसमें भी कुछ गुण होंगे, लेकिन वही एक है ऐसा नहीं। इसको ध्यान में रखकर जो नया हमारे सामने है उसमें सत्य असत्य की परीक्षा करके प्रमाण के साथ जो खरी उतरती है उसको स्वीकार करके उसको आत्मसात करके आगे बढ़ाना, ये भी करना पड़ेगा। तो ऐसी कुछ बातें मेरे मन में आती है और ये समय भी हो गया है, तो इसलिए यही मेरे चार शब्द समाप्त करता हूँ। लेकिन करने के पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और एक सूचना दे देता हूँ कि वो जो मेरे परिचय और बाद में वो गौरव काव्य में जो जो है उसको आप अतिशयोक्ति अलंकार का उत्तम उदाहरण के नाते देखिए। धन्यवाद सर, हम उपकृत हुए।